हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ यूटी क्रेन में स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 रहेगा डिजाइन ऑफ रोप ड्रम। ठीक है, लास्ट वीडियो में पढ़े थे डिजाइन ऑफ शैकल प्लेट पढ़े थे, ठीक है, जो था स्टेप नंबर 9। और बाकी के सारे स्टेप्स के हर एक वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ डिजाइन ऑफ यूटी क्रेन, वहां पे जाके देख लेना, सब स्टेप के अलग अलग वीडियो बने हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं स्टेप नंबर 10 जो है डिजाइन ऑफ रोप ड्रम। स्टेप नंबर 10 डिजाइन ऑफ रोप ड्रम, ये डिजाइन ऑफ रोप ड्रम का डायग्राम रहेगा जो डाटा बुक पेज नंबर 9.2 पे मिल जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम बनाना रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो डायग्राम मिल जाएगा पीएचडी 9.2 से, तो इसमें पीएचडी 9.9 पे जाना, वहाँ पे स्टैंडर्ड ग्रूव टेबल है, एक ऊपर दो टेबल है, एक स्टैंडर्ड ग्रूव है, एक डीप ग्रूव है। ठीक है, तो अपन को स्टैंडर्ड ग्रूव सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड ग्रूव में जाके, वो टेबल में जाके अपना जो वायर डायमीटर कितना आया था, वायर डायमीटर ऑफ रोप 32 आया था, जो ने स्टेप नंबर 2 में किए थे। ठीक है, बता देता हूँ, देखो स्टेप नंबर 2 में किए थे, डायमीटर ऑफ रोप कितना आया था, 32 mm आया था। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में रहेगा डायमीटर ऑफ रोप इज इक्वल टू 32 mm। ठीक है, 32 mm ले लेना, उसको कन्वर्ट कर देना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, 32 mm कन्वर्ट विल बी 3.2 cm। ठीक है, अभी 32 का नेक्स्ट वैल्यू देखना, यही 9.9 पे देखना नेक्स्ट वैल्यू। 32 का नेक्स्ट वैल्यू आएगा 34.5 आता है। ठीक है, 34.5 सिलेक्ट करेंगे और उसी में वहीं पे ये R1, S1 और C1 का वैल्यू मिल जाएगा, तीनों वैल्यू वही टेबल से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ड्रम डायमेंशन। अब ड्रम डायमेंशन के लिए पीएचडी पेज नंबर 9.2 पे आ जाना, वहां पे नंबर ऑफ ड्रम, नंबर ऑफ टर्न ऑन ड्रम फॉर वन रोप। ठीक है, ये फॉर्मूला वहीं पे पेज नंबर 9.2 पे मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न ऑन ड्रम फॉर वन रोप। तो जेड इज इक्वल टू एच इंटू आई अपॉन पाई डी प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे एच क्या रहेगा, एच रहेगा मैक्सिमम लिफ्ट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा 10 meters। ठीक है, बता देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, देखो मैक्सिमम लिफ्ट दिया, मैक्सिमम लिफ्ट कितना दिया, 10 meters दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिफ्ट आ जाएगा अपना 10 meters, तो h आ जाएगा 10 meters, जिसको कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर में, 1000 cm हो जाएगा। i क्या रहेगा, नंबर ऑफ फॉल्स डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ फॉल्स कितना सिलेक्ट किए थे स्टेप नंबर 1 में, किए थे नंबर ऑफ फॉल्स सिलेक्शन, वहां पे नंबर ऑफ फॉल्स सिलेक्ट किए थे 4 किए थे, 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 आ जाएगा, i का भी वैल्यू मिल गया। फिर पाई इनटू d, कैपिटल d क्या रहता है, डायमीटर ऑफ पुली या डायमीटर ऑफ ड्रम, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू 736 स्टेप नंबर 2 में अपन ने निकाले थे, जहां पे ये वायर डायमीटर ऑफ रोप है ना, वहीं पे ये डायमीटर ऑफ पुली भी मिल जाएगा। ठीक है, जो 736 mm है, इसको कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर में। ठीक है, और फिर इसके सारे वैल्यूज इस फॉर्मूले में डाल देना, इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज डाल देंगे तो ये जेड मिल जाएगा। तो जेड कितना है, 8.64 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो जेड का वैल्यू 9 मिल जाएगा। नेक्स्ट फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ ड्रम, एल इज इक्वल टू 2 इंटू एच इंटू आई अपॉन पाई डी प्लस 7 इंटू एस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला डाटा बुक पेज नंबर 9.2 पे मिल जाएगा, ये फॉर्मूले में सारे वैल्यूज डाल देना, एच का वैल्यू ये 1000 है, फिर आई का भी 2 है, डी का भी यहाँ बता ही दिया हूँ, S1 देखो यहाँ पे निकाले थे अपन ने। ठीक है, S1 भी मिल जाएगा, तो सारे वैल्यूज पुट कर देना तो लेंथ ऑफ ड्रम मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है वॉल थिकनेस ऑफ द ड्रम, वॉल थिकनेस ऑफ द ड्रम जो है W का फॉर्मूला है 0.02D प्लस 0.621, मतलब ये एक रेंज दिया है 0.621 में 21, इस रेंज में कोई भी वैल्यू 0.7 भी ले सकते हैं, 0.8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे D का वैल्यू तो यही रहेगा 736, तो वही डाल देना D का वैल्यू, तो फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेंटीमीटर वाला रखना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेना तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 2.272, और ये फॉर्मूला डाटा बुक पेज नंबर 9.3 पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करेंगे इंटरनल डायमीटर ऑफ ड्रम, इंटरनल डायमीटर ऑफ ड्रम डी आई इज इक्वल टू डी माइनस 2 डब्ल्यू, डी कैपिटल डी यहाँ पे है,
डब्ल्यू यहाँ पर ही निकाले थे वॉल थिकनेस, तो वैल्यू पुट कर देना यार, इंटरनल डायर भी मिल जाएगा। ठीक है, सब सेंटीमीटर में ही रखना, ठीक है, एमएम में कुछ भी मत रखना, सारे वैल्यू सेंटीमीटर में ही आएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है डायमीटर ऑफ फ्लैंज निकालेंगे। डायमीटर ऑफ फ्लैंज का है डी प्लस सिक्स डी, ठीक है, इसमें भी कैपिटल डी और स्मॉल डी। कैपिटल डी यहाँ पे है 736.6 सेंटीमीटर, स्मॉल डी है 3.2 सेंटीमीटर। सब्सिट्यूट कर लेना, डायमीटर ऑफ फ्लैंज भी मिल जाएगा। ये फॉर्मूला डाटा बुक पेज नंबर 9.3 पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये पूरा बेसिक सिलेक्शन था ड्रम का, सब बेसिक डायमेंशन वगैरह सब सिलेक्ट कर लिए, फाइंड कर लिए। नेक्स्ट आ जाता है ड्रम का मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। तो ड्रम का मटेरियल सिलेक्ट करेंगे ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन GCI 125 मटेरियल फॉर रोप ड्रम। तो अभी डाटा बुक पेज नंबर 1.4 आ जाना, वहां से ये मटेरियल सिलेक्ट कर लेना GCI 125। फिर उसका अल्टीमेट टेंसल स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा सिग्मा टी। तो अल्टीमेट टेंसल स्ट्रेंथ मिल गया तो सिग्मा टी निकल सकता है, विच इज इक्वल टू सिग्मा बी, सिग्मा अल्टीमेट अपॉन FOS, FOS 5 ले लेंगे, तो 250/5, तो यहाँ से सिग्मा टी मिल गया। टाउ क्या रहता है, शियर रहता है, शियर क्या रहता है, हाफ हाफ ऑफ सिग्मा टी, ठीक है, टेंसाइल या बेंडिंग जो भी है उसका हाफ रहता है शियर स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस क्या रहता है, 2 times, डबल हो जाता है, डबल ऑफ टेंसाइल या बेंडिंग स्ट्रेस, इतना याद रखना, ये बेसिक है जो मशीन डिजाइन 1 में कर चुके हैं। ठीक है, तो ड्रम में 3 failure होता है, फर्स्ट आता है बेंडिंग फेलियर, सेकेंड आता है शियर फेलियर एंड लास्ट आता है क्रशिंग फेलियर। तो पहले बेंडिंग फेलियर के लिए देखेंगे, तो बेंडिंग फेलियर के लिए ये फॉर्मूला है जो डाटा बुक पेज नंबर 9.3 पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ आर क्या रहेगा, एफ आर का फॉर्मूला रहेगा 2F, एफ अपना ये एफ का वैल्यू स्टेप नंबर 2 में मिल चुका है, वहां से ले लेना एफ का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से एफ आर मिल जाएगा। एल एल तो यहीं पे ही निकाले, लेंथ ऑफ ड्रम। डी कैपिटल डी का भी वैल्यू बताया हूँ 736, और यहाँ पे सब DI अपना ये रहेगा इंटरनल डायमीटर। ठीक है, सारे वैल्यूज पुट करना तो आंसर मिल जाएगा 2.26 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये इंड्यूस था, और अपना अलाउेबल कितना था, अलाउेबल था 50 था, तो 50 से कम है ये 2.26, तो ये सेफ रहेगा बेंडिंग फेलियर में, सेफ रहेगा, हेंस आवर डिजाइन इज सेफ इन बेंडिंग फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है शियर फेलियर ऑफ द ड्रम। तो टाउ इज इक्वल टू 16 MT × D, ये भी फॉर्मूला PSG डाटा बुक 9.3 पे मिल जाएगा। यहाँ पे MT क्या रहेगा, MT का यहाँ मैं बताया, MT इज इक्वल टू FR × D min + D/2 = 3। हाँ, इतना ये फॉर्मूला है, ठीक है, MT के लिए। ठीक है, FR क्या रहेगा, FR का वैल्यू देखो यहीं से मिल गया है, ये वाले प्रीवियस सब स्टेप से मिल जाएगा FR का वैल्यू। D minimum क्या रहेगा, अपना डायमीटर ऑफ रोप ड्रम, डायमीटर ऑफ पुली रहेगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ पुली कितना, 736 है। ठीक है, 736 ये mm में लेना, 736 mm। स्मॉल डी क्या रहेगा, अपना रोप डायमीटर जो है 32। ठीक है, स्मॉल डी 32 हो जाएगा, डी मिनिमम 736 हो जाएगा। एफ आर का यहाँ से मिल गया है, ये वैल्यू ले लेना एफ आर का, डी मिनिमम हो गया, डी हो गया, सॉल्व इसको सॉल्व करेंगे तो MT मिल जाएगा, जो इतना मिल जाएगा MT। ठीक है, MT का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, और बाकी सारे वैल्यूज तो पता ही है, कैपिटल डी भी पता है, ये भी डी पता है, डी आई भी पता है, यहाँ पे इंटरनल डायमीटर ऑफ रोप ड्रम। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो टाउ इंड्यूस मिल जाएगा। टाउ इंड्यूस कितना मिला, 1.88 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये हो गया इंड्यूस हो गया। ठीक है, इंड्यूस हो गया, तो अपना अलाउेबल कितना था, अलाउेबल देखो 25 था, तो 25 से ये कम हुआ, तो अपना डिजाइन सेफ है, शियर फेलियर में भी डिजाइन सेफ आया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्रशिंग फेलियर। क्रशिंग फेलियर का फॉर्मूला है सिग्मा सी आर इंड्यूस इज इक्वल टू FR/W × S। एफ आर का वैल्यू यहाँ पर ही मिल गया, जो मैं बताया 87.5 रहेगा। डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू किधर है, स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पे फाइंड किए थे वॉल थिकनेस, वही वैल्यू रख देना यहाँ पे जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू एस कैपिटल एस यहाँ पे मिल गया, जो 38 रहेगा। ठीक है, कैपिटल एस रहेगा जो 38 रहेगा, तो वो भी वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे एस में, तो सारे वैल्यूज पुट कर देना, ये भी फॉर्मूला डाटा बुक पेज नंबर 9.3 पे ही मिल जाएगा। सारे वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना, जो मिलेगा 99.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लेकिन ये इंड्यूस है, अपना अलाउेबल कितना था, 100 था अलाउेबल। ठीक है, तो 100 से एकदम माइनर कम है, तो डिजाइन सेफ रहेगा। ठीक है,
तो अपना तीनों चेक कर लेना, बेंडिंग, शियर एंड क्रशिंग, तीनों में अपना डिजाइन सेफ आया तो यहाँ पे खत्म हो जाता है ये स्टेप। इतना ही था, ठीक है, थैंक यू।